जयबंद कमर की ओक से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को चित्तौड़गढ़ गया। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश कुल गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। अपने पिता के साथ दुर्गम पहाड़ों में रहने के बाद प्रताप ने गोगुंदा में अपना पड़ाव कायम किया। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह जी का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। अपने दृढ़ निश्चय का परिणाम प्रताप अच्छी तरह जानते थे। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनौर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ।